फर्स आज हम बना रहे हैं चिकन पॉपकॉर्न, जिसकी रेसिपी ये है। ली हूँ 1.5 किलो चिकन, उसको मैंने ऐसा इस क्यूब में काट ली हूँ, छोटा छोटा आपको काटना है ऐसा, जितने बड़े आपको पॉपकॉर्न चाहिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये गार्लिक पाउडर है, अगर नहीं मिले तो आप अदरक लहसुन डाल देना इसके जगह, मेरे पास है तो मैं डाल दे रही हूँ। ये कांदे का पाउडर है, अनियन पाउडर, इसको भी हम डाल देंगे। और अगर पॉपकॉर्न बना रहे तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ही टेस्ट आता है। ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, ये मैंने आधा आधा चम्मच ली हूँ। इसके हिसाब से नमक ली हूँ और आधा चम्मच काली मिर्ची ये डालेंगे इसमें। ये मेरी चिकन कम है इसलिए मैं सब थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ये आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच डार्क सोया सॉस और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें विनीगर। इसको अच्छे से मिलाएंगे और 1 से 2 घंटे के लिए इसको मिला के हम साइड में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर का क्रम बनाएंगे, अभी वो मैं आगे का आपको बताती हूँ। इसको अभी मैं 1 से 2 घंटे के लिए साइड में रख दूँगी अच्छे से मिला के एकदम। व्यूअर्स, ये 2 घंटा हो गया मैंने इसको रखी थी मसाला लगा के, अब हम इसको साइड में करते हैं। ये मैंने ली हूँ मैदा जो है 200 ग्राम। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स, आपके ऊपर है आप डालना चाहे, लेकिन इसमें डालने से थोड़ा टेस्ट आता है। और टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ नमक मैदे में, और ये है चिली फ्लेक्स। आप इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खाएंगे, इसको ऐसे ही खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं मेरे तरीके से बनाती हूँ। और ये है काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, इस सबको हम अच्छे से मिला लेंगे मैदे में, अच्छे से मिला लेंगे। और ये मैंने ली हूँ एकदम ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी है ये। अब हम क्या करेंगे, ये मैदे को अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें से चिकन के पीसेस लूँगी, ये मैं चिकन के पीसेस ले रही हूँ, ये मैं मैदे में डाल रही हूँ। मैदे में डाल के इसको अच्छे से हाथों से मलेंगे ऐसे करके, ताकि इस पर मैदा अच्छे से बैठ जाए, एकदम क्रम हो जाए इस पर। ये देखिए एकदम अच्छे से ऐसे लगाना है आपको। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब ये मैदे को ऐसे ऐसे छानेंगे और थोड़ा सा इसको ऐसे पानी में डिप करेंगे, 1 से 2 मिनट ऐसे रखेंगे और फिर हम इसको मैदे में वापस डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छे से कोट करेंगे। देख सकते हैं आप, सबको ऐसे अच्छे से मलना है, मल के एकदम अच्छा इसमें क्रम बन जाएगा, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये हमेशा मैं घर में बनाती हूँ चिकन पॉपकॉर्न, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं आगे का आपको बताती हूँ, अभी मैं पूरा इसी साइड में कर लूँगी सब, फिर आगे का मैं आपको बताती हूँ। मैंने बना के रखा, ये मैं हमेशा मेरे बच्चों के टिफ़िन में बनाती हूँ और ये बहुत अच्छा बनता है, एकदम KFC के जैसा बनता है। इसको आप लोग घर में भी बना सकते हैं। अब मैंने देख तेल गर्म हो गया है, हम इसमें चिकन डालेंगे। तेल एकदम अच्छा, ज़्यादा ना हाई एकदम, ना ज़्यादा मीडियम लो, एकदम मीडियम रखना है, लो भी नहीं करना है हाई भी नहीं करना है। फिर अच्छा सा इस पर गोल्डन कलर आएगा जब तक इसको हम उल्टी पल्टी करके, अभी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे। अभी हम इस पर डालने के लिए एक हल्का सा मसाला भी बनाएंगे जो मैं अपने घर में बनाती हूँ। ये हमारे हो गए एकदम अच्छे से नाइस गोल्डन कलर। अभी मैं इसको निकाल के आपको दूसरा भी बताती हूँ कैसे होगा। प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, खाइए और मुझे भी कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लग रही है। अभी मैं आपको एक मसाला भी बताऊंगी इसके ऊपर छिड़क के खाने का, डाल के खाने का। देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़, एकदम क्रिस्पी बना है, देखिए आप भी देख सकते हैं अंदर से कितना अच्छा मॉइस्ट एकदम जूसी बना है। अभी मैं आपको एक मसाला बताती हूँ, ये मैंने ली हूँ लाल मिर्ची
और ये मिक्स हर्ब्स है, आधा चम्मच काली मिर्ची और ये चाट मसाला है, इसको हम मिलाएंगे अच्छे से मिलाएंगे और हम इसके ऊपर इसको छिड़क, ये हमारा पेरी पेरी मसाला मेरे तरीके से बन गया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गया। अब मैं इस पर मैंने जो मसाला बनाई वो हम डालेंगे ऐसे करके और इसको खाएंगे। आप लोग इसे बनाइए, खाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। देखिए डिप भी हमने बनाई है, ये देखिए आप जो चाहे वो डिप बना सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसमें हमने मेयोनी सॉस और पेरी पेरी मसाला मिक्स हर्ब सब डाल के ये डिप बनाई है। आप लोग भी इसे बना सकते हैं घर पर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।